Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा फुल स्टेशनरी कलेक्शन. तो मेरी ना क्यूट स्टेशनरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एंड मैं जहाँ भी जाती थी लाइक मुझे कुछ भी अच्छा स्टेशनरी का मिलता था तो मैं ले लेती थी. एंड फाइनली बहुत सारा कलेक्शन हो चुका है लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी भी कम है. मुझे और बहुत सारी स्टेशनरी लेनी है बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. तो अभी ये कलेक्शन आपको दिखाती हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. वन बाय वन आपको ये सारी स्टेशनरी दिखाती हूँ. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद माई वुडन बॉक्सेस. ये वुडन बॉक्सेस जो हैं ये लाए थे पापा मेरे लिए उड़ीसा से. उड़ीसा में बहुत सारी वुडन की चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ से ये दो वुडन के बॉक्सेस लाए थे. तो इसको कुछ इस टाइप से ओपन किया जाता है. यह बहुत ही क्यूट है इसका ओपनिंग. एंड दिस इज़ इसमें मैंने अपना कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टेशनरी रखा है लाइक हाइलाइटर एंड थोड़ा बहुत सामान है. तो दिस इज़ हाउ. और एक सर्कल शेप में है और एक ये रेक्टेंगुलर शेप में है. तो पहले पेंसिल बॉक्स की कलेक्शन दिखा देती हूँ उसके बाद बाकी का दिखाऊंगी. तो ये मेरे पास दो बॉक्सेस. नेक्स्ट ये मैंने अभी जल्दी आप सबके साथ शॉर्ट्स में इसका अनबॉक्सिंग शेयर किया था. ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन. इसमें एक लॉक भी है और कुछ यूनिफॉर्म टाइप का है. इसमें दो चेन्स हैं, एक आगे चेन मिल जाएगी और एक पीछे चेन मिल जाएगी. और इसमें स्टेशनरी रखने का बहुत ज़्यादा स्पेस है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है. और प्राइस आई थिंक अराउंड 300 का था. तो मैंने ये मंगवाया था फॉर डेली यूज़. मैंने मंगवाया था कि मैं इसको स्कूल ले जाऊँगी. तो ये हो गए मेरे 3 बॉक्सेस. ये तो काफ़ी पुराना है. ये भी मेरे लिए पापा ही लाए थे. ये पेंसिल शेप का है और इसको मैं स्कूल नहीं ले जाती हूँ क्योंकि इसमें से आप स्टेशनरी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो इसमें मैंने अपने कुछ कलर्स रखे हुए हैं. इसको मैं लेकर नहीं जाती हूँ बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स. तो मेरा ये वन ऑफ माई फेवरेट जब भी नया आया था मुझे ये बहुत चाहिए था वो भी यूनिकॉर्न वाला. ये है वाटर पाउच. मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है वो भी ये होलोग्राफिक है. तो दिस पाउच इज़ माई फेवरेट फेवरेट. इसमें जल्दी आज शुरू. तो ये बहुत ही अच्छा पाउच है और इसमें वाटर भी है. तो दिस इज़ माई फेवरेट. एंड मैं ज़्यादातर चीज़ें कोशिश करती हूँ कि मैं यूनिकॉर्न वाली ही हूँ. तो ये मेरा यूनिकॉर्न पाउच है. 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि मेरे 5 पाउचेस हो चुके हैं. अब ये वाला ये मेरा ये भी फेवरेट है. ये दोनों पाउच मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है. मुझे ये बड़े ही साइज़ में चाहिए था. इसके अंदर बहुत सारा खजाना है. मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्यूट क्यूट पेन्स हैं. मेरे पास जितने भी अच्छे पेन्स हैं वो सब मैंने इस पाउच में रखे हुए हैं. तो ये मैं आपको बाद में इसे ओपन करके दिखाऊंगी. तो ये भी एक पाउच है. नेक्स्ट मेरे पास एक ये पाउच है. ये मैं यहीं से अपने घर के पास से लेकर आई थी. ये मुझे मिला था अराउंड 50 रुपीज़ का. या ये भी यूनिकॉर्न वाला है. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. नेक्स्ट एक और ऐसे ही सेम पाउच है. ये बड़ा साइज़ में है और ये इसी का छोटा साइज़ है. सो ये मुझे मिला था अराउंड 30 रुपीज़ का. तो ओके सर नेक्स्ट जो मेरा पाउच है वो है ये भी मेरा फेवरेट ही है. एक्चुअली जो भी यूनिकॉर्न वाले पाउचेज हैं वो सारे ही मेरे फेवरेट हैं. तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था. ये टिन वाला पाउच है पेंसिल बॉक्स. तो ये टिन वाला है एंड ये मेरा फेवरेट है. आई शो यू. इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड ये यूनिकॉर्न और रेनबो है. ये इस टाइप का कुछ है तो इसको काफ़ी मज़ा आता है. और इसको मैं कुछ दिन स्कूल ले गई थी उसके बाद मैं नहीं ले गई. मैं स्टेशनरी पता है यूज़ नहीं करती हूँ सिर्फ रखती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी. एंड मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी सामान ख़राब हो. मैं यूज़ नहीं करती हूँ. सो इसके अंदर एक और ये छोटा सा निकला था बॉक्स. ये मुझे बहुत ही क्यूट लगता है. इसका बड़ा वर्जन है और ये इसका छोटा वर्जन है. तो ये एक है और ये कुछ इस टाइप से है. ये भी काफ़ी स्पेशियस है बट ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है बिकॉज ये टिन का है तो आवाज़ तो करेगा ही. एंड आई थिंक मेरे पाउचेस सारे खत्म हो गए. ओके एक बार और छोटा सा आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कितने सारे पाउचेस हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो मेरे पास टोटल 9 पाउचेज हैं. एक पाउच और हो जाए तो टोटल 10 हो जाएंगे मेरे पास पाउचेज. तो अब बाकी की स्टेशनरी देखते हैं. ओके सर आपने मेरे सारे पाउचेस तो देख लिए. अब है बारी डायरीज की. डायरीज का मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन तो नहीं है लेकिन मेरे पास 3 डायरीज हैं एंड वही मैं आपको दिखाती हूँ. मैं दिस मिकी माउस डायरी है. मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था एंड दिस इज डिज्नी फेस्ट की मिकी माउस डायरी. ये बहुत ही ज़्यादा कुछ फैंसी सी नहीं है. सिंपल सी मिकी माउस डायरी है एंड इसको मैंने यूज़ किया था लाइक दिस. आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे साइंस हैं और रिमार्क्स भी मिले हुए हैं क्योंकि मेरे स्कूल में एक्चुअली एग्जीबिशन होता है कि हम लोग जो क्राफ्ट्स बनाते हैं उसको इस टाइप से डेकोरेट किया जाता है. तो डेकोरेट जो करते हैं उनके साथ में लाइक मुझे ड्यूटी मिली थी. तो मैं जो है वहाँ पे खड़ी थी और सारे क्राफ्ट्स के बारे में बता रही थी कि क्राफ्ट्स कैसे बने हुए हैं. तो फिर वो लोग क्या एक साइन करते हैं और रिमार्क देते हैं क्राफ्ट्स को देख के. तो मुझे बहुत सारे रिमार्क्स मिले थे. ये वही मार्क्स हैं एंड मैंने इसको अपनी स्टिकर डायरी भी बना लिया. इसमें मेरे पास बहुत सारे स्टिकर्स हैं. एक्चुअली जब मैं अपने 5th या 6th क्लास में थी तब मुझे स्टिकर्स का बहुत कलेक्शन था. मैंने अराउंड 100 to 200 स्टिकर्स कलेक्ट किए थे एंड अब पता नहीं वो सारे कहाँ हैं. तो थोड़े बहुत स्टिकर्स हैं अभी भी मेरे पास. ये सारे मैंने स्टिकर्स जो है कलेक्ट किए थे.
तो इस डायरी में मैंने वो सारी चीज़ें उसको पेस्ट कर दी। ये वाली डायरी मरमेड जो कि मैंने अभी न्यू भी खरीदी है और अभी कुछ ही दिन हुए इसको खरीदे हुए। मैंने जैसा कि कहा था मैं किसी भी शॉप पे जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग जाता था, मैं ले लेती थी। तो मैं एक शॉप पे गई थी तो वहाँ पे मुझे वाली डायरी अच्छी लग रही थी तो मैंने लिया है। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये बहुत ही क्यूट है एंड पिंक कलर में है। इसका एक और ब्लू कलर भी था बट ब्लू मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना ये अच्छा लग रहा है। ये बहुत शाइन करते हैं कैमरे में। तो यहाँ पे इस टाइप से सीक्वेंस है एंड इसके पेजेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। किसी किसी के पेजेस क्या सिंपल्स होते हैं बट इसका पेज बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इस टाइप का बहुत ही क्यूट सी डायरी है, मुझे ये डायरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और लास्ट में कुछ इस टाइप का इन्होंने ग्रीन पेज दिया है, इसमें भी मरमेड का ही शेप है। सो दिस इज माई फेवरेट डायरी। तो हो गई मेरी 2 डायरीज राइट। और एक है ये वन ऑफ माई फेवरेट्स, मतलब दोनों डायरीज से सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी ये वाली डायरी है एंड इसको मैंने पेपर रैपिंग में कवर करके रखा है बिकॉज ये वाइट कलर की है, दैट्स वाई। ये है मेरी फर डायरी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है और ये वाइट कलर में है सबसे। एक्चुअली मुझे इसका वाइट में दूसरा कलर चाहिए था बट वाइट के अलावा फर में और कोई डायरी उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, ये मैंने मार्केट से ली थी। एंड इसमें जो ये यूनिकॉर्न है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये स्पीशी यूनिकॉर्न है, आप अपने साइड से स्पेश कर सकते हो। ये बहुत ही क्यूट डायरी है, दिस इज माई वन ऑफ माई फेवरेट डायरी। डायरी के जो पेजेस हैं बहुत ही ज़्यादा फैंसी से नहीं है, एकदम सिंपल से डायरी के जैसे पेजेस होते हैं इस डायरी के वैसे ही पेजेस हैं बट द अपर लुक इज टू गुड। ये बहुत ही अच्छी डायरी है। ये है मेरी तीनों डायरी। सही बताया बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है बट इस टाइम जो मेरे माइंड में है मुझे एक पॉकेट डायरी लेनी है बट जब मैं शॉप जाऊँगी तभी लूँगी। तो मुझे ना बर्थडे पे एक बार डॉम्स का पूरा किट मिला था, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी। इस टाइप की मुझे डॉम्स का जो है मिला था, तो ऊपर की जो पॉलिथीन है वो तो आई डोंट नो कहाँ पे है लेकिन इसकी जो अंदर की चीज़ें थी वो मैंने अभी भी रखी नहीं है बिकॉज मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मुझे मिला था ये डॉम्स का 12 वाटर कलर केक्स, ये वाटर कलर केक्स हैं, ये इससे मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करती हूँ। नेक्स्ट जो है इसमें हैं ब्राइट कलर्स कलर पेंसिल्स, ये कलर पेंसिल्स हैं ऑफ डॉम्स। मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये एक शॉपनर मिला था और एक ये एक्सटेंडर मिला था, अगर आपकी पेंसिल लाइक छोटी हो जाती है तो आप इसे एक्सटेंडर को लगा सकते हो। एंड ये है मेरे पास बहुत सारे पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन कलर्स। जैसे अब तो मेरे में आर्ट जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब मेरे में 8th क्लास तक आर्ट सब्जेक्ट था, अब आर्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ या फिर जब मेरा मन करता है पेंटिंग करने का, लेकिन मुझे पेंटिंग एंड क्राफ्टिंग बहुत पसंद है। सो जब मैं पेंटिंग करती हूँ तभी मैं इन कलर्स को यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं कुछ। नेक्स्ट है मेरे पास ये डॉम्स के ऑयल पेस्टल कलर्स, इसे भी मैं आपको बनकर कहती हूँ। ये तो पूरे सील पैक्ड है, मैंने इसे ओपन भी नहीं किया। ये देखिए ये पॉलिथिन से पैक्ड है, बस यहाँ से मैंने थोड़ा सा ओपन किया था क्योंकि मुझे इसका स्क्रेपर निकालना था एंड आई डोंट नो इसका स्क्रेपर कहाँ है। मैंने कलरिंग की थी और पिंक पड़ा हुआ है, तो बहुत सामान मिला था। और मैंने अलग से एक ये लिया था, ये है डॉम्स की इरेजेबल इरेजर, इट्स ऑफ ग्रूव की इरेजेबल इरेजर। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इरेजर लगी, आई विल शो यू। तो इस टाइप का कुछ ये है, इसमें मुझे 2 रिफिल्स मिली थी इस टाइप से। यहाँ से हम रेजर निकाल सकते हैं लाइक दिस, इस टाइप की मुझे 2 रिफिल्स मिली थी। और साथ ही में था ये एक इरेजर, उसकी होती है लाइक इस टाइप से आप पीछे से पुश करो तो लेड पेंसिल आती है राइट। तो ये भी कुछ उसी टाइप का है, इस टाइप से हम पुश करते हैं तो इस टाइप से इसमें इरेजर आती है। तो आपने अगर मेरा बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखा हो तो ये मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था ब्रश पेन का सेट, दीज आर माई फेवरेट ब्रश पेन। मुझे ब्रश पेन बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने इससे बहुत सारी ड्राइंग एंड आर्ट की भी हुई है। इसके कलर्स जो हैं एस्थेटिक कलर्स भी आते हैं इसमें, लाइक लाइट कलर्स और ब्राइट कलर्स। तो मुझे मिला है ब्राइट कलर्स का सेट। आपको सारी डॉम्स की चीज़ें दिखा दी हैं, अब कुछ जो है रैंडम चीज़ें जो मेरे पास हैं वो दिखा दो। ओके, सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ रैंडम चीज़ें लाइक दिस इज माई मॉडलिंग क्ले। एक्चुअली मुझे लगा था कि मैं इससे कुछ भी लाइक करूँ, मैं कुछ भी इससे बनाऊंगी क्राफ्ट्स तो ये ड्राई हो जाएगा क्ले, बट ये ड्राई नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको आगे यूज़ भी नहीं किया। इसके साथ मुझे 2 शेप्स मिले हैं, एक हाउस शेप है और एक रैबिट शेप है। ड्राई मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है तो यहाँ पर मैंने मंगवाए थे एक्रेलिक कलर्स। ये स्टूडेंट्स के लिए कलर्स हैं, दिस इज क्राफ्ट्स फॉर ऑल 12 एक्रेलिक कलर्स विद 3 ब्रशेज। मुझे इसके साथ 3 फ्री ब्रशेज भी मिले थे और ये बहुत सारे एक्रेलिक कलर्स हैं, ये बहुत ही क्यूट लगता है। ये हैं हाइलाइटर्स, एक्चुअली मैंने इन्हें ऑनलाइन देखा था, अराउंड 200 रुपीज़ का मुझे ये मिलता है बट मैंने उस पर नहीं खरीदा। मैं यही पास में शॉप में गई थी तो मुझे ये वाले हाइलाइटर्स वहाँ दिखे एंड मुझे ये पड़ा है 120 रुपीज़ का पूरा सेट। तो मैंने एंड मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत ही क्यूट से और छोटे से हाइलाइटर्स हैं। एज यू ऑल नो मैं इन्हें भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, बस इन्हें रखने वाली हूँ हाइलाइटर्स। ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट ये रैंडम सी मेरे पास ग्लू गन है, ये कोई क्यूट स्टेशनरी में तो नहीं आती है बट या इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेशनरी। ये ग्लू गन है, इससे मैं पेस्ट करती हूँ बहुत सी चीज़ें। मेरे पास ये स्टिकी नोट्स, आपको स्टिकी नोट्स का तो काम करते हैं, आप कोई भी पेज पे से स्टिक कर दो तो आपको पेज ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, फ़ौरन आप पेज पे पहुँच जाओगे। सुपर क्ले,
तो ये है मेरे पास कुछ सुपर केस, आई शो यू। ये है मेरे पास सुपर केस, इसे मैंने बहुत सारी क्राफ्ट डाली है, आप लोगों को वो क्राफ्ट बहुत पसंद आई थी। मैंने शॉर्ट्स में इसे बहुत सी क्राफ्ट बनाए, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो ये सब मेरे पास बहुत सारे सुपर केस का पैकेट है, कुछ आपको दिखा दिया है। लास्ट चीज जो है इसके अंदर बहुत ही क्यूट क्यूट के पेन। टाइम है फाइनली इस बॉक्स को ओपन करने का। आई नो पूरे वीडियो आप लोग बहुत वेट कर रहे होंगे कि मैं इस बॉक्स को कब ओपन करूंगी। फाइनली इसे मैं ओपन करने जा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्यूट क्यूट पेन हैं। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग टू क्यूट। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस सेक्शन में, पहले आपको पास से दिखा देती हूँ। पीछे भी बहुत सारे पेन हैं, मैं वहाँ तक लाऊंगी तो गिर जाएगा। मैं वन बाय वन सारे पेन आप सबको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट इस चेन में है दिस इज माय मिनियंस पेन। ये बहुत ही क्यूट सा है एंड ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो ये वाला पेन है। नेक्स्ट है मेरे पास ये आइसक्रीम पेन जो कि मुझे ये गिफ्ट में मिला था, आइसक्रीम पेन एंड इसका कैप आप देखो कितना छोटा सा है एंड ये पेन है लाइक आप जो भी। नेक्स्ट ये है माय मेमोरी पेन, इसे मैं मेमोरी पेन इसलिए कहती हूँ बिकॉज जब मैं जयपुर गई थी वहाँ से मैं ये वाला पेन लेके आई थी। एक्चुअली इसका पूरा पैकेट था, उसमें 10 पेन थे और हमने सबको दे दिए, ये लीजिए हम जयपुर से ये पेन लेके आए हैं। तो मेरे पास तो अभी ये 80 पेन है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डेकोरेट किया था पेन, लाइक जयपुर में इसी टाइप की चीज़ें मिलती हैं। सो दिस इज द पेन। नेक्स्ट है ये वाला पेन मेरे पास, इसका प्राइस भी पैकेट पे लिखा हुआ है, इट्स 125 रुपी का। सबसे महंगा पेन ये वाला है एंड मेरे पापा लाए थे मेरे लिए ये वाला पेन। इसका कलर आप देखो एकदम रेड कलर का है, 125 का पेन है। सबसे महंगा मेरे पास अभी तक यही पेन है, सबसे महंगा पेन। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें यही एक ट्विस्ट है कि आप इसे जैसे ही ओपन करोगे इसकी निब नहीं है एंड बहुत से लोग इसको ढूंढते रहते हैं कि इसकी निब कहाँ से आएगी, पीछे से भी प्रेस करते हैं, सब कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। बस आप इसका कैप जैसे ही लगाओगे ना, ये देखो इसकी निब आ जाएगी। तो ये इसमें ट्विस्ट है और जैसे ही आप इसका कैप हटाओगे एंड वापस से निब गायब। तो ये इस टाइप का कुछ पेन है, फ्रिक्शन पेन। फ्रिक्शन पेन भी महंगा है मेरे पास, ये 100 रुपीज़ का आता है, ये 125 का है। ये 100 रुपीज़ का फ्रिक्शन पेन है, इसे मैं एग्जाम्स वगैरह में लिखती हूँ बिकॉज इट्स अ ब्लू डॉट पेन और यहाँ पे एक इरेजर होती है जिससे आपका पेन बिल्कुल क्लीन हो जाता है, दिखता तक नहीं है कि यहाँ पे आपने कुछ लिखा दिखा। तो एक ये वाला पेन आई डोंट नो इसकी कॉस्ट, ये भी पापा ही लाए थे, इस टाइप के पेन पापा ही लाते हैं। ये काफ़ी हैवी है, मुझे इसकी बॉडी भी अच्छी लगती है तो मैंने इसको रखा इस पार्ट पे। तो इस पार्ट में भी बहुत सारे मेरे पास पेन हैं आई थी फ्रॉम कार्निवल, यहीं पे कार्निवल लगता है मेरे घर के पास में, वहाँ से मैं ये वाला पेन लेके आई थी। इस पार्ट में जेल है और दिस इज हाउ दिस पेन इज लाइक, बहुत ही क्यूट सा ऐसा लगता है, स्ट्रॉबेरी का पेन है बिकॉज इसमें मैं अपनी बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए लाई थी और ये एक पेंसिल बच गई थी तो ये मैंने ले ली। दिस मरमेड पेन, ऊपर क्यूट सी एक मरमेड है एंड ये पेन है। नेक्स्ट है मेरे पास ये फाउंटेन पेन, बारबी का फाउंटेन पेन है, इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बस अच्छा लगना चाहिए, ये भी मुझे बर्थडे पर गिफ्ट मिला था, मोमेंट पेन, ये मेरा फेवरेट पेन है। इसकी बॉडी इतनी अच्छी लगती है ना एंड दिस इज ऑल्सो, इसमें देखिए आप आगे निब तक लगी है, मैंने यूज़ तक नहीं किया है पेन। मम्मी के साथ ऐसी मार्केट गई थी तो मुझे पति बहुत ही क्यूट सा पेन मिला, इट्स नॉट पेन ये पेंसिल है एंड इसमें आगे यहाँ पर मिरर है, इट्स मिरर ओवर हियर एंड पीछे ये है। इस टाइप से ये ओपन होती है, आप इसको रिमूव कर सकते हो लाइक दिस, दिस इज अ पेंसिल हो गया। अब आते हैं इस पार्ट में, इसमें मेरे पास ये एक जेल पेन है, वाटर पेन, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट ये एक पैक ही हुई है, ये भी जेली पेन है, वाटर जेल पेन है, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था। लाइक सी मेरे पास वाटर जेल पेन कितने सारे हैं, तीन तीन वाटर जेल पेन है। अच्छा ये वाला एक BTS का पेन, मुझे BTS तो नहीं पसंद है, ब्लैक BT21 अच्छा लगता है तो मैंने ये वाला पेन लिया था। नेक्स्ट एक ये पेंसिल है बहुत ही क्यूट सी, ये डायरी है छोटी सी, आई शो यू दिस टाइम, बहुत ही क्यूट सी डायरी है। और ये लेड पेंसिल है, पेन है ये, फैन पेन है, इसे हम फैन पेन कहते हैं एंड ये मुझे अराउंड 20 रुपीज़ का मिला था, बहुत ही अच्छा लगता है एंड इसे मैं स्कूल ले जाती हूँ जब बहुत गर्मी लगती है स्कूल में, तब मैं इसे। लास्ट में इसका लिपस्टिक पेन, इसमें भी पीछे जेली है, पिंक कलर का लिपस्टिक पेन है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। दिस इज हाउ इट ओपन और ये बहुत ही क्यूट लगता है, ये एकदम रियल लिपस्टिक लगती है आपसे। So this was my stationery collection. I hope you all like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.